देखिए, खुलकर अपनी बात ओवैसी जी संसद से लेकर सड़क तक भी बोलते हैं। ऐसे ही हर नेता जिसका अवसर मिलता है आम जनमानस, वो भारत के लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी ताकत है कि हर कोई अपनी बात खुलकर कहता है, प्रश्न भी पूछता है। लेकिन चुनाव के समय कुछ लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, एक समुदाय तक अपने आप को सीमित कर लेते हैं, चाहे वो इंडी गठबंधन के लोग हों या ओवैसी जी हों। ये सब क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदाय, इसकी राजनीति करते हैं और कहीं ना कहीं इसलिए आज लोगों ने इनको नकारा है। और जो सबका साथ सबका विकास इसी मूल मंत्र के साथ काम करते हैं मोदी जी, उनको सबने स्वीकारा है। और मैं ओवैसी जी को इतना कहना चाहता हूँ, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने के लिए जब मोदी सरकार कानून लाए तो कहाँ थे वो? 33% आरक्षण नारी शक्ति को देने का बात की तो कहाँ थे ओवैसी जी? और क्या उनका रुख था? क्या वो मुस्लिम महिलाओं के लिए भी, जब ये दो सशक्तिकरण के काम मोदी सरकार ने किए, तब सो कॉल्ड जो मर्दानगी दिखाने वाली बात, जो बड़े बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, उनका विरोध क्यों करते रहे? आज सवाल ये खड़ा होता है, महिलाओं का सशक्तिकरण, उनका महिला नेतृत्व विकास किसने किया? तो मोदी सरकार ने किया। आज सेनाओं में 10,500 से ज़्यादा महिलाएं हैं, सबसे ज़्यादा वुमेन पायलट्स हमारे पास हैं, हमारे हर क्षेत्र में भारत की राष्ट्रपति महिला है। और एक विपक्षी गठबंधन के लोग तो राष्ट्रपति जी के बारे में भी जो अभद्री टिप्पणी करते रहे, उससे इनकी मानसिकता दिखती है कि ये लोग ना महिलाओं को मान सम्मान दे पाए और ना ही आज दे पाएंगे। ये केवल तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। और अब तो देश की जनता ने विकास का स्वाद चख लिया है, चाहे मुस्लिम समुदाय भी हो, उन्होंने विकास देखा है क्या होता है, और मोदी जी के विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। कांग्रेस हार के डर से भय भ्रम फैला रही है और अब तो डीप फेक का सहारा ले रही है। एक फर्जी पार्टी फर्जी वीडियो बनाने तक आ गई, फेक न्यूज़, फेक वीडियोस और इनका फेक चेहरा आज देश के सामने बेनकाब हुआ है कि कांग्रेस किस स्तर तक और विपक्ष किस स्तर तक गिर सकता है कि फेक और डीप फेक वीडियोस बनाएंगे, उसका प्रसार करेंगे और किसी भी ओछे हथकंडे तक। मैं जब कहता था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं विदेशी हाथ भी दिखते हैं, तो सबने क्यास यही लगाए थे कि ये जो लोगों की संपत्ति, क्या ये सुरक्षित रहेगी? क्या स्त्री धन सुरक्षित रहेगा? 7 दिन हो गए, खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने आज तक शपथ पत्र नहीं दिया कि क्या स्त्री धन सुरक्षित रहेगा, क्या देश की संपत्ति जो जनता की सुरक्षित रहेगी, क्या उनकी मृत्यु के बाद उसके ऊपर कब्जा तो नहीं कर लिया जाएगा? इस पर कांग्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि पहला हक अल्पसंख्यक का, विशेष तौर पर मुसलमान समुदाय का है, तो क्या खड़गे जी राहुल गांधी जी इससे सहमत हैं कि लोगों की संपत्ति क्या दे दी जाएगी? तो इस पर इनका कोई जवाब आया नहीं। इससे देश के लोगों को स्पष्ट हो गया है कांग्रेस क्या सोच रही है।